फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून का समय है, गुड मॉर्निंग का नहीं, क्योंकि अभी बज रहे हैं 3 और मैं अपना ब्लॉग अभी से बना रही हूँ। थोड़ा बहुत है जो पहले मैंने शूट किया था। तो अभी हम लोग नाश्ता करके और सोए हैं। मैं अभी तक खाना भी नहीं बनाई हूँ। अरे ठंडी की वजह से कितने लाल लाल अजीब से हो गए हैं। पलक अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी मनाने गई हुई है और मेरे हस्बैंड जी भी सोए हुए हैं और मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। सब्जी मेरे पास, हाँ बेटा, सब्जी मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, मैंने मिक्स बनाए थे। तो अब दिख रहा है, आज संडे था तो सब्जी भी आया है, हरा हरा सब्जी भी है मेरे पास। तो मैं गोभी खाना है, मोमो क्या करे, मोमो कच्चा गोभी ली हुई है खाने के लिए। दिख रहा है अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। हाँ मैं सोच रही हूँ कि मैं पालक बनाऊँ। पालक पूरा मिट्टी मिट्टी लगे हुए हैं ऐसे पालक में। मैं पालक बनाऊंगी, जस्ट पालक, चने की दाल में डाल के, जो दाल मैं सिंपल नहीं बना के, बहुत दिन हो गए जिसने पालक डाल के नहीं बनाया है, क्या बोलते हैं उसको, दल सग्गा। तो वही सोच रही हूँ बनाने के लिए, दाल में साग डाल के। अभी बहुत इसमें मिट्टी लगी हुई है तो इसको मुझे धोना होगा, ये सब कुछ ज़्यादा ही। वो लोग जैसे मन में आता है ना वैसे खेत से निकाल के रख देते। तो मैं दल सग्गा बनाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है खाने में। अभी सीजन है तो अच्छी अच्छी पालक आएंगे, इसको धो के। और ये चासी से लिया हुआ है, चासी आई मीन जो आते हैं ना छोटे छोटे सब्जी वाले, सब्जी बाजार में लगाते हैं, घर की है। घर में वो लोग घर में मतलब बनाते बिना खाद वाद दे के, बोलते तो ऐसे ही हैं, आखिर भगवान जाने क्या करते हैं। तो उन्हीं से ये बनाया हुआ ये लेके आए हैं। तो मैं चने की दाल में इसको बनाऊंगी और मेरे पास चने की दाल है अभी ऑलरेडी। कहाँ गया, मैं एक्चुअली मैं रहर की दाल में ही बनाती हूँ, लेकिन रहर की दाल में ही बनाऊंगी। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना, 3 बज गया और अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया। तो मेरे हस्बैंड खाना भी काफी लेट से खाए हैं। तो मेरी बहुत जल्द ट्राईपॉड आ जाएगी तो मुझे उतनी परेशानी नहीं होगी, हाथ में ऐसे कैमरा लेके घूमना नहीं पड़ेगा। और छोटा वाला ट्राईपॉड है ना तो वो पोजीशन उतना नहीं ले पाता है जितना मुझे लंबाई चाहिए, उतना नहीं हो पाता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, पूरा पालक को धो लूँ काट लूँ उसके बाद। हाँ बेटा, और मेरी मोमो को देखो, मेरी मोमो तो पूरा गोभी लेके ही बैठी हुई है। गोभी खाना है, गोभी कॉपी। बच्चे है ना, शरारती के, शरारती नहीं क्या बोल रही, तोतला। बहुत मेरे बाल टूटे ठंडे के मौसम में ना, बाल बहुत ज्यादा टूटने लगते हैं। दिख रहा है क्या करें, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, उपाय करना पड़ेगा कुछ ना कुछ।
तब तक मैं पालक काट के धो लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं रात के खाने में पूरी बना दे रही हूँ, क्योंकि वो चने की दाल की जो दही सगा बनाई थी तो वो मेरे पास है, सब्जी भी है, तो मुझे रात का खाना उतना नहीं बनाना है। मम्मी आओ, देखो देखो तो मिकी देखिएगा, कहाँ गई थी घूमने? क्यों जाइए थी घूमने? फिर तो जाएगी घूमने, देखिएगा देखिएगा, तो लगता है देखिए देखिए कितना मस्त कर दिए। क्यों गई थी घूमने? देखिए ना चल, ये सब क्या है? रुको ना रे माँ को, ये सब क्या है? कहाँ गई थी घूमने? नहीं बेटू ऐसे नहीं, मार मार के दिखा दो। कहाँ गई थी घूमने? कहाँ गई थी घूमने? मैं छोड़ के क्यों गई? किसी तो बिट्टू इसमें 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 देखिए गलत गलत अब खिलाइए। देखिए ना यही यही हम किसी से खिला रहे आंटी। आज है ना पलक, वो बोल के रखी है पूरी बनाना। आपके उदाहरण के आएगा।
ये दीप्ति की कोशिशों का ही नतीजा है कि लड़कों को अब कॉलेज आने जाने में कतई डर नहीं लगता। मैंने यहाँ से टाइक्वांडो 6 क्लासेस ज्वाइन किया है, मुझे अब तक 6 साल हो गए सीखते हुए। मेरी जो टाइक्वांडो की कोच है दीप्ति सिंह, उन्होंने यहाँ तक बहुत मेहनत की है मेरे साथ पहुँचने में। मैं 2 स्टेट, 3 नेशनल और 1 इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल ला चुकी हूँ। 3 साल मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ तब तक के नई वीडियो में, और कल कुछ दूसरा ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।